पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो सीरीज खेली जा रही है वो कम रोमांचक नहीं है। एक दिन में एक टीम सुपरस्टार्स की टीम नजर आती है, अगले दिन वो फेलियर्स की टीम नजर आने लगती है। एक दिन में कोई टीम 200 बना देती है और दूसरे दिन 150 बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे रोमांचक सीरीज में पाकिस्तान ने लीड ले ली है। जी आपको बता दें कि कराची में जो हुआ चौथे टी20 मुकाबले में, वो सेम चीज लाहौर में दोहरा दिया पाकिस्तान ने पांचवें टी20 मुकाबले में, और अब सीरीज में 3-2 की बढ़त पाकिस्तान के पास में है। दरअसल 166 रन डिफेंड किए थे पाकिस्तान ने कराची में, 3 रन से जीते थे, और यहां पर 145 रन पहले बैटिंग करके ऑल आउट हो गई थी पाकिस्तान की टीम, और फिर भी 145 को भी इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग लाइनअप के सामने पाकिस्तान की गेंदबाजी ने डिफेंड करके दिखा दिया कि उनकी गेंदबाजी कितनी मजबूत है, और 5 रनों से जीत हासिल कर ली है। यह दिखाता हुआ कि टी20 में 5 रन की जीत बड़ी जीत रही है। लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी की अगर बात करें, रिजवान एकमात्र खिलाड़ी रहे जिनके इर्द गिर्द पूरी पाकिस्तान की टीम बैटिंग करती नजर आई, 63 बनाए, 145 पूरे टीम ने 19 रन बनाए, 19 रन ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की टीम के लिए मोइन अली कप्तान ने एक शानदार पारी खेली, वो 51 रन बनाकर नाबाद रहे लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। लेकिन जमाल ने कमाल कर दिया, पहला मुकाबला खेल रहे थे, आखिरी ओवर में कप्तान बाबर आजम ने उन पर भरोसा दिखाया, 15 रन डिफेंड करने थे, और इस खिलाड़ी ने उस ओवर में अगर देखें तो कुल मिलाकर सिर्फ 9 रन दिए और 5 रन से अपनी टीम को जीत दिला दिया। और यह होता है कॉन्फिडेंस जो जमाल के ऊपर में दिखाया कप्तान ने, और जमाल ने वाकई में कमाल कर दिया। और सीरीज में इस समय पाकिस्तान 2 मैच जबकि बाकी है, दोनों मैच अगले लाहौर में ही खेले जाने हैं, 3-2 से बढ़त बना चुकी है, और पाकिस्तान के जो प्रशंसक हैं उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ये मुकाबले और भी आगे अगले जो दोनों होने वाले हैं वो देखने को मिलेंगे, और पाकिस्तान के फैंस तो एंजॉय कर ही रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप सब एंजॉय कर रहे होंगे जिस तरीके से पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में सीरीज खेली जा रही है। आपको कैसी लगी पाकिस्तान की यह जीत आप कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।